गरियाबंद जिले के थाना फिंगेश्वर में बस स्टैंड परिसर में फिर एक बार चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बस स्टैंड स्थित ओमकार के किराने की दुकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। दुकान मालिक ने बताया कि रोज की तरह वह सुबह करीब 6 बजे दुकान खोला तो आंखें खुली की खुली रह गई। दुकान में सामान बिखरा हुआ था। दुकान के पीछे दीवार में 3 फीट का छेद था। दुकान मालिक ने इसकी सूचना तत्काल अपने परिजनों को दी। 7,000 नकदी और लगभग 25,000 के सामान गायब हो गया। दुकान मालिक ने चोरी होने की लिखित फिंगेश्वर पुलिस को दी। वही चोरी की वारदात को लेकर व्यापारी दहशत में है और पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठा रहे हैं। वहीं फिंगेश्वर थाना प्रभारी संतोष सिंह से मामले को लेकर चर्चा किए जाने पर उन्होंने कहा कि चोरी की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्लिबर 28 के लिए गरियाबंद से तामेश्वर साहू की रिपोर्ट। मैं रोज की तरह मैं अपना दुकान खोलने के लिए 6 बजे आता हूँ। जैसा मैंने शटर उठाया, कई काउंटर खाली देखा, उसके बाद मैं पीछे दुकान की तरफ गया तो वहाँ पर बहुत बड़ा सेंध था। उसको देखने से मेरे को पता चला कि यहाँ पर कोई चोर आके चोरी हुआ है, ऐसा करके मुझे पता चला। चोर कैसे प्रवेश किया है? चोर वो 3 फीट का, 1.5 फीट का वो दीवार को तोड़कर, 4 इंच दीवार था, उसको तोड़कर वो अंदर घुस के सामान को ले जाया है। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? जैसे कि अनिक घी है और सरसों तेल है, 1 लीटर का तेल है, 5 लीटर का तेल है और हेयर ऑयल है, सभी प्रकार के हेयर ऑयल है, बजाज तेल और बजाज अमला ट्राप, लगभग बहुत सारे चिल्हर सामान का चोरी हुआ है। 25-30 हज़ार रुपये का चिल्हर सामान का चोरी हुआ है। मेरे भाई ने सूचना दिया कि हमारे दुकान में चोरी हुआ है, तो सर्वप्रथम मैंने आकर दुकान देखा और उसके पश्चात मैंने थाना को में गया और वहां सूचना दिया और वहां यहां पे आकर पुलिस वालों ने जांच वगैरह मुआयना किए। उसके बाद हम लोगों ने वहां पे लिखित शिकायत भी किए हैं। तो इस तरह से बार बार फिंगेश्वर में चोरी होती जा रही है और हमारा दुकान ऐसा कहीं एक दिन देखना पड़ जाए कि कहीं लूटते लूटते ना बचे, ऐसा भी हो जाए। तो इस प्रकार से शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन को भी इस तरह की घटना को अच्छे सुरक्षित रूप से व्यवस्थित करने की कृपा करें। बाकी में नगर सुरक्षित नहीं है, हम तो पुलिस प्रशासन को बोलेंगे। ये पहला चोरी नहीं है, इसके पहले सुनहर यदू जी के होटल में चोरी हुआ, मुस्तफा खान की घड़ी दुकान पे हुआ। मेरे पड़ोसी पिंटू श्रीवास है, यदुनंद श्रीवास की दुकान पे दरवाज़ा को खोला गया लेकिन किसी कारणवश नहीं खुल पाया, वो अच्छी दरवाज़ा रही होगी इसका नहीं खुल पाया। और चौथी चोरी जो हुई इनके किराने दुकानों पे, ऐसे घटना को देखा जा रहा है। लगता ये बोलते हैं कि व्यापारियों की कहीं पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, शासन क्या कर रही है, शासन इस पर क्यों कड़ाई नहीं बरत रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। रात में यदि गश्त कर रहे हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि चोर पुलिस और चोर की मित्रता है। कहीं ना कहीं नगर पंचायत की एक जिम्मेदारी भी बनती है नगर के सुरक्षा को लेकर। हाँ, ये भी बहुत क्या कदम उठा ये भी कहना ठीक कह रहे हैं कि नगर पंचायत की जिम्मेदारी है। हम समझे कि पुलिस प्रशासन अच्छी मुस्तैदी से यहाँ पर गश्त कर किया जा रहा है तो ऐसी घटना न घटेगी करके, लेकिन आज ऐसे देखा जा रहा है नगर पंचायत में। अपनी नगर पंचायत की उसे कुछ व्यवस्था करेंगे और व्यापारी संघ को आज हम आपातकालीन बैठक बुलाएंगे और उनके ऊपर बोलेंगे, उनको सहयोग मांगेंगे कि इस तरह की चोरी व्यापारियों की दुकानों पर हो रही है तो उसका निराकरण करेंगे और संघ के और आगे हम ऊपर लेवल पर करेंगे, SP तक जाएंगे, SP से शिकायत करेंगे। नगर में सभी व्यापारी, कोई यहाँ के हैं कोई बाहर के हैं, रात्रि में सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, थाने की व्यवस्था है, रात्रि में उनके द्वारा गश्त की व्यवस्था की जाती है, ऐसा उनका कहना है। तो निश्चिंत रह करके आदमी अपने घर आराम से सोता है, लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं जब होती है और कंटिन्यू, जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 3-4 घटनाएँ हो गई, भरे बस स्टैंड हृदय स्थल पर इस टाइप की घटना होने से स्वाभाविक है व्यापारी सहम जाता है। छोटे छोटे व्यापारी किसी तरीके से अपनी पैसे की व्यवस्था करके दुकानें खोलते हैं और ऐसी चोरियां होने से वे कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो कम से कम प्रशासन से इतना तो वो चाहते ही हैं कि हमारी सुरक्षा, हमारी दुकानों की सुरक्षा के लिए वो जिम्मेदारी से निभाएं और समय समय पर हमारे से भी जो सहयोग बनता है वो बोले। व्यापारी संघ द्वारा भी क्या कदम उठाया है? हम तो व्यापारी संघ की तरफ से यही अपील करेंगे, हमारे समस्त व्यापारी के साथ हम हमारे थाना प्रभारी के पास जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे और ज़्यादा हुआ तो हम ऊपर स्तर पर भी जा सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे थाना प्रभारी के पास जाने से हमारी समस्याएं निपट सकती है। वो आए हम लोगों के साथ बैठक करके, हम सब मिल करके इस